हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है 7:45 और गार्डन एकदम फूलों से भरा हुआ है। देखिए कितने रोज़ेस खिले हैं, बर्ड्स भी बहुत हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और हमारी रजनीगंधा की स्टिक धीरे धीरे ओपन हो रही है, सारी फ्लावर्स देखिए। ये आज पम्पकिन के फ्लावर्स आते ही है, रोज़ ही कुछ ना तीन चार फ्लावर्स तो होती है। आज हम लोबिया हार्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोबिया, मतलब काउपी थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत हो गया है। देखिए बहुत ज़्यादा भर गया है और कुछ सूखे भी है, तो जो सूखे हैं उसको हम ले लेंगे सीड्स के लिए। ये साइज भी बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। लार्ज साइज, बहुत ही लंबा है। ये देखिए और भी बहुत सारे है, अभी उठाएंगे धीरे धीरे। करेले भी मैं उस दिन कह रही थी ना आप लोगों को, लास्ट जो लाइव सेशन लिया था, कि करेले बड़े हो गए हैं और देखिए हार्वेस्ट लायक भी हो चुका है। ये देखिए और भी बहुत सारे लगे हैं, देखिए ये देखिए, ये सब देखिए। और बर्ड्स की चिरपिंग साउंड एकदम लग रहा है कि हम एकदम गांव में आ गए हैं, है ना, नेचर के बहुत करीब। वेजिटेबल्स, बर्ड्स, यू नो, दिस ऑल आर टेलिंग मी लाइक हम गांव में पहुंच गए हैं और वहां पे खेत से अपना हार्वेस्ट कर रहे हैं। इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, यू नो। तो चलिए हम थोड़ा भरते हैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी तक तो ये है, ये अभी और भी लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा सीजर भी लाई थी, ये देखिए, ये देखिए, कैन सी बैगन यहाँ पे। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेकेंड टाइम हमारी अनार इसमें आ गया है। ये देखिए
किचन वैकेंसी। अनार ये सेकंड लॉट का है, अनार भी आ गया है। मिर्ची भी हमारे पास कुछ तो है हार्वेस्ट करने लायक। ये देखिए, इसको भी हम उठा लेते हैं क्योंकि इसका ना फ्लिटर बनता है और ये फीमेल तो है नहीं, मेल फ्लावर है, तो हम इसका फ्लिटर बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा भिंडी भी उठा लेते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे जो है ना वो हम काट सकते हैं, बड़े वाले हम रख देंगे बीच के लिए। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है और थोड़ी सी ये ले लेते हैं। लोबिया तो बहुत भर गए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े लोबिया। ये देखिए, जो भी मेरा हार्वेस्ट है, मैं आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे हम पहले भी किए हैं लेकिन मैंने सोचा आज आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह की हार्वेस्ट हम ये डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे इतना तो हो ही जाता है। और भी बहुत सारे ये जो है ना, ये सूखे हुए मैं बाद में लूँगी। बहुत सारे सूखे हुए भी है जो मैंने हार्वेस्ट नहीं किया, तो वो सारे मैं बीज ले लूँगी बिकॉज दिस प्लांट इज़ वेरी गुड ना, तो इसका बीज भी अच्छा ही होगा। लोबिया तो हमने उठा लिए, बहुत सारे उठाए हैं, अभी और भी उठा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाइट बैगन भी है, ये बहुत सारे हुए हैं, कुछ उठा लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाइट बैगन भी थोड़ा सा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा उठा लेंगे, थोड़े थोड़े रख भी देंगे हम। ये देखिए, उधर चलती हूँ मैं, उधर वाइट बैगन बहुत है, तो वहाँ से थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे वाइट बैगन बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये मेरा ट्रे तो भर ही गया हार्वेस्ट करते करते। सी एंड यू नो, इतना अच्छा फीलिंग होता है ना, जो भी आए मेरे ग्रो बैग से या जो भी मैंने लगाए हैं वहाँ से, जब कुछ भी हार्वेस्ट होता है मुझे इतना अच्छा फीलिंग होता है ना कि मैं क्या ही कहूँ। तो मैं इसीलिए सबसे कहती हूँ कि कुछ भी जितना भी हो सके अपना, चाहे पॉट में, चाहे ग्रो बैग में, अगर टेरेस है या छत है वहाँ पर भी
कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ताकि ना एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाती है ना, आपको इतना हैप्पीनेस देती है ना, तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब इन लॉन्ग रन ना दिस विल मेक यू वेरी हैप्पी। जो आज के टाइम में इतने स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ना, बहुत ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा ये देखिए एक और करेला जो हम हार्वेस्ट के लायक था, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना स्ट्रेस रिलीज करें। और गार्डनिंग एक बहुत अच्छा हॉबी है जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो, और ये आपको हमेशा हैप्पी करता है। आप इसको थोड़ा सा भी केयर करोगे ना, ये आपको भर भर के फूल फल सब्जी, तो यू नो इट मेक्स यू हैप्पी। थोड़ा बहुत मैंने हार्वेस्ट कर लिया आज के लिए, थोड़ा बहुत मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, फिर बाद में करेंगे। फ़िलहाल यहीं तक मैं आज यहीं तक एंड करती हूँ अपना वीडियो, और मैं अपडेट करती रहूँगी। ये देखिए सारे बेल बड़े बड़े हो गए हैं, और सब में फूल तो आ ही रहे हैं। आई होप कि पम्पकिन और तोरोई ये भी लग जाए धीरे धीरे, और फिर हम हार्वेस्ट कर पाए कुछ अपने कुछ हमको पम्पकिन या कुछ तोरोई हमको मिले, है ना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।